नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख प्राइम न्यूज 24। जनपद मुजफ्फरनगर में आज एसएसपी कार्यालय पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के दर्जनों पदाधिकारियों व कार्यकर्ता पहुंचे और बताया कि मोनू जाटव पुत्र रणधीर सिंह निवासी केला परीक्षित गण जिला मेरठ का निवासी है, जो कि अनुसूचित जाति से है। मोनू जाटव ने 11 जनवरी को सुबह 9:30 बजे अपनी फेसबुक आईडी पर ब्राह्मण समाज की लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जिसको देखकर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को अत्यंत पीड़ा व मानसिक व सामाजिक कष्ट हुआ है, जिससे ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोष है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोग आज मोनू जाटव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय से मिले हैं और मांग की है कि इस युवक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो और इसको कड़ी सजा मिले। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही अगर नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मोनू जाटव के खिलाफ ज्ञापन देने वालों को दर्जनों ब्राह्मण समाज के लिए मौजूद रहे। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर। आपका नाम? मैं अखिल कुमार वत्स, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जिला मुजफ्फरनगर, युवा जिलाध्यक्ष। आज किस बारे में हम यहाँ कप्तान साहब से अपनी समस्या की गुहार लगाने आए हैं। कल एक लड़का जो कि मोनू जाटव है, पिताजी का नाम रणधीर जाटव है, जिला मेरठ है और गांव किला के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे समाज ब्राह्मण समाज के बारे में एक फेसबुक पर गलत टिप्पणी डाली है। ब्राह्मण समाज उससे आक्रोश है और अंदर उनके एक गुस्सा है। हम ये चाहते हैं कि मोनू जाटव ने जो ब्राह्मण समाज के लिए भद्र टिप्पणी की है फेसबुक द्वारा, उसकी गिरफ्तारी हो और उस सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब किससे मिले आप आगे? हम आज अभी एसएसपी कप्तान महोदय से के पास में गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अभी तुरंत जो है साइबर सेल को ये सूचना करता हूँ और जल्द से जल्द इस बारे में जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी है। क्या उसने पहले भी कोई इस तरह की टिप्पणी? पहले भी इसने टिप्पणी की, लेकिन इसको समझाया गया, लेकिन फिर ये नहीं माना। कल फिर इसने दोबारा से ये टिप्पणी एफबी के द्वारा जारी की। क्या अगर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो क्या इस तरह? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा और अपने हक के लड़ने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है।